नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दर्शकों, अब हम देखेंगे आज के मंदसौर मंडी के सभी जिन्सों के भाव और क्या तेजी मंदी हुई है, कितनी आवक रही है। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आपको लाइक करना है। आइए शुरू करते हैं, लहसुन के भाव से शुरुआत करते हैं। ऊपर में 12,500 रुपये तक लहसुन देखने को मिला है। देशी माल 9,000 से 9,500, देशी एवरेज साइज़ का 8,000 से 8,500, लड्डू देशी की पोजीशन 6,500 से 7,500, एवरेज लाडवा 5,500 से 6,500 रुपये तक बिका। मीडियम माल की पोजीशन 3,500 से 5,000 रुपये की रही है। छर्री माल जो है 2,000 रुपये से लाकर के 3,500 रुपये तक बिका है, जिसमें कि सेंटेड और बदबू वाले माल भी शामिल है। आवकों की अगर हम बात करें तो अच्छी आवकें देखने को मिल रही है, लगभग 15,000 से अधिक बोरी की आवक रही और बाजार लहसुन में समान रहा है। वहीं प्याज के बाजार की बात करें दर्शकों, तो ऊपर में 1,240 रुपये प्याज बिका है। मोटा माल 1,150 से 1,200, मीडियम माल की पोजीशन 1,050 से 1,150, छोटा माल 200 रुपये से 1,000 रुपये तक बिका, आओ के 2,500 कट्टों की रही और बाजार समान देखने को मिला। वहीं बात करें गेहूं के बाजार की, तो ऊपर में एक लॉट 2,100 रुपये बिका है, बाकी बढ़िया लोकवान 2,000 से 2,025, मील बेस्ट गेहूँ की पोजीशन 1,850 रुपये से 1,900 रुपये, चलनसार माल 1,750 रुपये से 1,850 रुपये तक बिका, आवक 5,000 बोरी की रही और बाजार गेहूँ में समान देखने को मिला। वहीं बात कर ले सोयाबीन के बाजार की, तो ऊपर में 3,531 रुपये बिका है, बढ़िया माल 3,450 से 3,500, एवरेज माल 3,400 से 3,450 रुपये की पोजीशन देखने को मिली, चलनसार जो माल थे 3,300 रुपये से लाकर के 3,400 रुपये तक बिक रहे हैं, आवक 5,000 बोरी की रही और बाजार 25 रुपये सोयाबीन में ठीक देखने को मिला है। चना की बात कर ले तो 4,023 रुपये ऊपर में विशाल चना बढ़िया बिका है, बढ़िया विशाल की पोजीशन 3,900 से 4,000, कांटा चना की पोजीशन 3,800 रुपये से लाकर के 3,900 रुपये की आज देखने को मिली है, चलनसार और हल्के माल डंकी शंकी 3,400 रुपये से 3,600 रुपये अपनी क्वालिटी अनुसार बिक रहे हैं, आवक 800 बोरी की देखने को मिली है और चना में बाजार समान रहा। वहीं बात कर ले अलसी के बाजार की, तो 4,701 रुपये ऊपर में एक लोट बिका है, बाकी बढ़िया माल 4,600 से 4,700, एवरेज माल 4,500 रुपये से 4,600 रुपये, चलनसार और हल्के टाइप के मालों की पोजीशन 4,400 से 4,500 रुपये की आज देखने को मिली है। बात कर ले आवकों की, तो 700 बोरी की आवक रही और बाजार अलसी में समान रहा है। आगे चलते हैं, बात करें इसबगोल के बाजार की, 9,200 रुपये ऊपर में बिका है, बढ़िया माल 8,900 से 9,100, एवरेज माल 8,600 से 8,900 रुपये तक बिक रहे हैं, चलनसार मालों की अगर हम बात करें तो 8,000 से 8,600 रुपये तक की पोजीशन रही है, आवक लगभग 100 बोरी की रही और बाजार आज समान देखने को मिला है। आगे चलते हैं दर्शकों, बात कर लेते हैं मेथी के बाजार की, तो बढ़िया माल 4,400 से 4,450, एवरेज माल 4,200 रुपये से ला करके 4,300 रुपये तक की आज पोजीशन देखने को मिली है। वहीं बात करें हल्के मालों की, तो 4,000 से 4,200 रुपये तक बिक रहे हैं, आवक लगभग मेथी में आज 500 बोरी की देखने को मिली है और बात करें बाजार की, तो बाजार समान रहा है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कलौंजी के बाजार की दर्शकों, तो ऊपर में 11,079 रुपये एक ढेर बहुत बढ़िया क्वालिटी का था, बिल्कुल काला माल था, बढ़िया मालों की पोजीशन 10,700 से 10,900, एवरेज माल 10,600 से 10,700, चलनसार हल्का 9,500 से 10,500, आवक 60 बोरी की रही और बाजार 100 से 200 रुपये तेज देखने को मिला है। वहीं बात करें तिल्ली के बाजार के दर्शकों, तो ऊपर में 10,100 रुपये बिकी है, बढ़िया माल 9,200 रुपये से 9,600 रुपये, एवरेज माल 8,800 रुपये से 9,200 रुपये, चलनसार और हल्के मालों की पोजीशन 8,500 से 8,800 रुपये तक रही, आवक 40 बोरी की देखने को मिली और बाजार तिल्ली में समान रहा है। वहीं एसएलए के बाजार की बात कर ले दर्शकों, तो ऊपर में 3,741 रुपये बिका है, बढ़िया माल 3,650 से 3,700, एवरेज माल 3,550 रुपये से 3,600 रुपये, चलनसार माल 3,450 रुपये से 3,500 रुपये तक बिक रहे हैं, आवकों की बात करें तो 1,250 बोरी की आवक और बाजार समान रहा है। वहीं बात कर ले डालर चना के बाजार की, तो बढ़िया माल 4,200 रुपये से 4,400 रुपये, एवरेज माल 4,000 रुपये से ला करके 4,200 रुपये तक बिक रहे हैं, चलनसार और हल्के मालों की अगर हम बात करें तो 3,200 रुपये से ला करके 3,800 रुपये तक की पोजीशन रही है, आवक 100 से 125 बोरी और बाजार समान देखने को मिला है। वहीं बात कर ले हम मक्का के बाजार की, तो ऊपर में एक ढेर 2,177 रुपये बिका है, बाकी बढ़िया 2,100 से 2,150 रुपये, एवरेज माल 2,050 रुपये से ला करके 2,100 रुपये तक बिक रहे हैं, चलनसार और हल्के मालों की अगर हम बात करें तो 1,950 से 2,050 रुपये की पोजीशन रही, आवक 120 बोरी की रही है और बाजार समान देखने को मिला है। वहीं उड़द के बाजारों की बात कर ले, तो बढ़िया माल 3,700 से 3,900, एवरेज माल 3,500 रुपये से ला करके 3,600 रुपये तक बिका, चलनसार और हल्के मालों की बात करें तो 3,400 से 3,500 की पोजीशन है, आवक 60 बोरी की उड़द में देखने को मिली है और बात करें बाजार की, तो बाजार उड़द में समान रहा है। वहीं बात कर ले मसूर के बाजार की दर्शकों, तो मसूर ऊपर में 4,060 रुपये एक बढ़िया माल था जो कि बिका है, बढ़िया मालों की पोजीशन की बात करें तो 3,800 से 4,000, एवरेज माल 3,600 रुपये से 3,800 रुपये, चलनसार और हल्के मालों की पोजीशन 3,400 रुपये से 3,600 रुपये की रही है, आवक 200 बोरी की देखने को मिली और बाजार मसूर में समान रहा है।
रायड़ा के बाजारों की बात कर ले तो ऊपर में 3619 रुपये एक किराना क्वालिटी का ढेर बिका है, बाकी बढ़िया माल 3450 से 3550, एवरेज माल 3350 से 3450, चलनसार और हल्के मालों की पोजीशन 3250 रुपये से 3350 रुपये, आवक 350 भरी और बाजार समान रहा। वहीं धनिया के बाजार की बात करें तो बढ़िया माल जो है 6200 6400, एवरेज मालों की बात करें तो 5500 रुपये से ला करके 6000 रुपये तक बिक रहे हैं, बाकी चलनसार कचरे वाले जो माल आ रहे हैं जिनमें कचरा मिक्स है दाल ज़्यादा है 4000 से 5500 रुपये तक, आवक 200 भरी और बाजार समान रहा। वहीं तुलसी बीज की बात करें तो मात्र 2 बोरी की आवक रही जो कि 9911 रुपये के भाव पर बिका है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें।